पार्क के नाम को लेकर झगड़ा आमरण अनशन तक पहुंचा। आदमी तो आदमी, भगवान के नाम पर भी विवाद। इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या फिर शतरंज की बिसात, या फिर भविष्य में होने जा रहे चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी, या फिर यह बात नेहरू नगर के लोग हमसे बेहतर जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से रीवा शहर की सबसे आधुनिक या यूं कहें सबसे नई, जिसे नगर सुधार न्यास ने बसाया था, की बात कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं रीवा के नेहरू नगर। यहाँ पर कहने को तो सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। इनकी बातें हम फिर करेंगे। आज बात वार्डों की खूबसूरती बढ़ाने वाले पार्कों की, जिसको लेकर यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। कुछ दिन पहले यह विवाद भगवान को लेकर था, पहले शिव पार्क, बाद में हनुमान पार्क। यह विवाद शिव भक्तों और हनुमान भक्तों के बीच नहीं, बल्कि सियासत दोनों के बीच था। चलिए किसी तरीके से वह विवाद निपटा। ताज़ा मामला दो नामों को लेकर है। बदहाल पार्क की सूरत बदलकर उसको खूबसूरत करने का वार्ड पार्षद का प्रयास बेमानी होता दिखाई पड़ रहा है। शायद यही सियासत है। वार्ड पार्षद की माने तो उन्होंने यह नाम उस व्यक्ति के नाम रखा है जिसने छोटे पेड़ों को यहाँ पर लगाकर सहेज कर वट वृक्ष बना दिया। वह व्यक्ति इसी पार्क के सामने रहता था और उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। यह नाम वार्ड वासियों ने उनकी याद को बनाए रखने के उद्देश्य से रखा है। वहीं कुछ लोग इस नाम से, या यूं कहें पार्षद के इस कार्य से खफा होकर आमरण अनशन पर उतर आए हैं। नज़रिया उनका भी ठीक हो सकता है, लेकिन मकसद होना चाहिए वार्ड की तरक्की। चुनावी साल में हमारा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। आइए सुनते हैं वार्ड पार्षद संजय नम्रता और आमरण अनशन कर रहे मानवेंद्र द्विवेदी इस बारे में क्या कहते हैं। हम लोग धरने में इसलिए बैठे हैं कि अभी विगत 15/7/2018 को यहाँ पर नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 13 में एक पार्क है, अरुण पार्क। उस पार्क का अनाधिकृत रूप से पार्षद जी द्वारा नाम परिवर्तन करके स्वर्गीय दिनेश सिंह पार्क कर दिया गया है। इसके पूर्व में भी उनके द्वारा शिव उद्यान का नाम परिवर्तित करके हनुमान पार्क कर दिया गया था। चूँकि इन दोनों पार्कों का नाम नगर निगम की परिषद जो है उसने अप्रूव्ड किया है, और ये नगर निगम की एसेस लिस्ट है, उसके मुताबिक आप देखिए इसमें क्रमांक 28 पर अरुण पार्क और क्रमांक 27 पर शिव उद्यान का नाम अंकित है। ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक माननीय परिषद के निर्णय अनुसार उसमें बोर्ड नहीं लग जाता, तब तक हम अपने आमरण अनशन पे डटे रहेंगे। क्या विवाद है, क्या मामला? ये पार्क को लेके विवाद तो होना नहीं चाहिए, जहाँ तक नियमत है। और क्या है कि हमें भी 20 साल से यहाँ रहते हो गए, तो ये नाम तो था अरुण पार्क, लेकिन अरुण नाम के व्यक्ति को मैंने पार्क में कभी नहीं देखा, अपने वार्ड में कभी नहीं देखा, और पार्क के लिए कभी उसने सहयोग नहीं किया। और मतलब बहुत यहाँ के जो सभ्रांत लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके भी द्वारा पूछा गया कि अरुण है कौन, कहाँ रहते हैं, उनसे मैं मिलना चाहती हूँ और पार्क के लिए थोड़ा सहयोग राशि भी सहयोग करवाना चाहती हूँ। लेकिन उन बताया कि हमको नहीं पता बेटा वो कहाँ का है, कौन है, कैसा है, वो कभी नहीं आया। तो हम कहे तो जो हमारे पार्क में, हमारे वार्ड में और पार्क के लिए मतलब काम किए, वो सोचे कि ये लोग बहुत छोटे थे, यहाँ के जो लोग अब बुजुर्ग हैं वो बहुत तब जब यंग थे, और वो उस समय बहुत छोटे थे, मतलब 17-18 साल के, 22 साल के उम्र में उनने समाज सेवा से काम किया। और अरुण पार्क तो मतलब दिनेश सिंह पार्क को तो सजाया ही, फिर दुर्गा पार्क में भी मूर्ति स्थापित कराई, वहाँ पेड़ पौधे इन सब लोगों से लगवाया और वहाँ स्वयं पेड़ पौधे लगाए, सींचे उनको पूरी दोपहरिया में। आप ये मानिए कि जब उस समय मतलब वहाँ बाउंड्री नहीं थी, खुला पार्क था, गाय भैंस लौटती थी, तो सोचिए वो इंसान आज 20 पेड़ होंगे, 20 से 25 समथिंग, तो व्यक्ति को ताकना, उन जानवरों को ताक लेना दोपहर में गर्मी में बहुत बड़ी बात है। तो उनने उसको ताका और उसने उनको पेड़ों को बड़ा किया, और आज पूरे 5 पेड़, बरगद, पीपर, आमा, नीम, सभी पेड़ हैं, उनकी पूजा होती है, हर व्यक्ति पूजा करते, पूजा वालों से भी पूछे वो अरुण को नहीं जानते। तो हमारा क्या उद्देश्य है, जब हमने पार्षद हुए तो हमें ये लगा वो चाचा जी हमारे कोई रिलेशन में नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई हमारे उनसे कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि वो भरी जवानी में 40 साल की उम्र में ख़त्म हो गए, हमने देखा भी नहीं था। तो फिर उन ऐसा लगा मुझे कि मतलब जो व्यक्ति हमारे पार्क को सजाया है उसका नाम क्यों ना कर दिया जाए, कम से कम मृत आत्मा को शांति मिलेगी, उनका परिवार भी यहाँ नहीं रहता, उनसे हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर लोग यहाँ जातिवादी फैलाते हैं तो कोई हमारा वो नहीं है, पर हमने उनके सिर्फ समाज सेवा से प्रेरित होके उनका नामकरण संस्कार कर दिया।